Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about hybrid mutual funds. What is hybrid mutual fund? What are the best hybrid mutual funds in India? How we will choose the best hybrid mutual fund? And we will also compare top 5 best performing hybrid mutual fund. So let's start. First of all, we will discuss what is hybrid mutual fund. Hybrid mutual fund, as the name indicates, it's a combination of equity and debt. इस पूरे वीडियो में हम लोग aggressive mutual funds के बारे में बात करेंगे, जिसमें equity का exposure आपका ज़्यादा रहेगा as compared to debt instruments. So equity में जो exposure रहता है, वो 65 से 80% का होता है, और debt में जो exposure होता है, वो 20 से 35% का होता है. और ये open-ended hybrid scheme है, जिसमें आप जब भी चाहें आप पैसा लगा सकते हैं, जब भी चाहें आप withdraw कर सकते हैं. So in consideration part, what are the consideration I am taking while choosing the best hybrid mutual fund? First one is growth plan. Growth plan इसलिए क्योंकि आपको इसमें compounding effect ज़्यादा मिलेगा as compared to your dividend or dividend reinvestment plan. Direct plan. Direct plan इसलिए क्योंकि आपको इसमें कम commission देना पड़ेगा as compared to the regular plan. तो आप लंबे समय में ज़्यादा return निकाल पाएंगे direct plan से. Investment horizon should be minimum 3 to 5 years. Investment horizon 3 से 5 years रखे हैं. जब भी आप equity में investment करते हैं तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड आप 3 इयर्स जरूर रखें. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स से कम है तो आप कोई भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करें. और जब भी आप इक्विटी का एक्सपोजर ले रहे हैं उसमें मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपोजर रखें. मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, मिड कैप में कितना होना चाहिए, मल्टी कैप के लिए क्या होना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल कैप के लिए क्या होना चाहिए. तो मैंने सेपरेट वीडियोस टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को भी कंपेयर करके उसमें दिखा रखा है. आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं. सो कमिंग बैक टू इट, इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 3 to 5 इयर्स का होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जब भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के लिए कर रहे हैं तो ये लंबे समय के लिए आप मत कीजिए. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्टर पीरियड के लिए होना चाहिए. तो इन्वेस्टमेंट होराइजन आप 3 to 5 इयर्स में अगर शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना चाहते हैं तब आप इस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ऑप्ट कर सकते हैं. लो रिस्क इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये ओपन एंडेड फंड. So, top 5 best hybrid mutual fund. First one is Mirae Asset Hybrid Equity Fund. Second one is SBI Equity Hybrid Fund. Third one is Canara Robeco Equity Hybrid. Fourth one is ICICI Prudential Equity and Debt Fund. And last one is DSP Equity Bond Direct Growth Fund. ये सारे के सारे funds काफी अच्छा perform कर रहे हैं अपने peer से, और ये कंसिस्टेंट अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, और इनका रिस्क और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, इसलिए मैंने ये फंड्स चूज़ किया है. नाउ वी विल कंपेयर दीज 5 बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इन सबसिक्वेंट स्लाइड्स. फर्स्ट वन इज फंड हाउस एंड फंड ऑब्जेक्टिव. मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का मेरे एसेट म्यूचुअल फंड है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का SBI म्यूचुअल फंड, कैनरा रेबको का कैनरा रेबको म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेप्ट फंड का ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, एंड DSP इक्विटी का बॉन्ड डायरेक्ट का DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड. सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग विथ योर प्रोफाइल और नॉट, यू शुड ऑलवेज व्यू दैट. बेसिक डिटेल्स कंपैरिजन. इन बेसिक डिटेल्स कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि लॉन्च डेट जो है वो प्रोबेबली सिर्फ मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का आपका 5 साल नहीं हुआ है, बाकी सारे फंड्स मोर देन 5 इयर्स के हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बेंचमार्क देखेंगे आपका सभी का क्रिशल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव फंड्स है. AUM देखेंगे आप सारे फंड्स का काफ़ी अच्छा है. मिनिमम शिप वैल्यू आप मेरे एसेट में 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, SBI में 500 से, कैनरा रेपको में 1000 से, ICICI प्रूडेंशियल में 100 से, एंड DCP इक्विटी फंड से 500 से. और ICICI आपको 100 रुपीज़ से ही स्टार्ट करने का मौका देता है, तो आप जो बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप 100 रुपये से भी अपनी SIP कंटिन्यू रख सकते हैं. मिनिमम लमसम क्वांटिटी आपका 100, 1000, 1000 और 500 है. एग्जिट लोड, अगर जैसा मैंने बताया कि एग्जिट लोड आपका 1% लगेगा 365 डेज के अंदर, आप जब भी आप अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आप अगर जब भी इस फंड को ऑप्ट कर रहे हैं आप 3 इयर्स मिनिमम रखें. फंड मैनेजर, फंड मैनेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि फंड मैनेजर ही डिसीजन लेता है कि किस स्टॉक्स में एक्सपोजर रखना है, किस स्टॉक्स को खरीदना है, किस स्टॉक्स से एग्जिट कर जाना है, किस स्टॉक्स की जो परसेंटेज कवरेज है उसको कम करना है. सो एवरी डिसीजन इज मेड बाय द फंड मैनेजर. तो आपका परफॉर्मेंस, आपका रिस्क लेवल टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर के डिसीजन मेकिंग पे. सो आपको जब भी आप
कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें उसमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें, कितने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस कैसा है। सो दीज फंड मैनेजर्स आर वेरी गुड एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स कंपनीज इन द हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। रेशियो कंपैरिजन, रेशियो कंपैरिजन में पहला आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आप मेरे एसेट का देखोगे 0.33% है, जो काफ़ी अच्छा है किसी भी म्यूचुअल फंड पीयर्स कंपनीज में से। और कनाडा रेपोको का भी 0.87 है और डीसीपी इक्विटी का भी, बॉन्ड का भी 0.87 है। आईसीसीआई का थोड़ा सा ज़्यादा है बट इट इज़ लेसर देन द रेगुलर म्यूचुअल फंड। एसबीआई का भी 1.07 है। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि आपके लास्ट 365 डेज में आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा चर्न हुआ है, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। मेरे एसेट का 141% है, एसबीआई इक्विटी का 252% है और आईसीसीआई प्रूडेंशियल का 199% है, कनाडा रेपोको का 158% है। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। पी बाई बी रेशियो आप देखोगे सबसे अच्छा जो पी बाई बी रेशियो आईसीसीआई प्रूडेंशियल का है जो 1.52 है, मेरे एसेट का भी 2.41 है, जो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे है। पी वाई ई रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी आप देखोगे जो सबसे अच्छा है वो है आपका आईसीसीआई प्रूडेंशियल का, जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है और मेरे एसेट का भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज 20.57। और डीसीपी इक्विटी का काफ़ी थोड़ा महंगा वैल्यूएशन है, दैट इज 35.31 का। कमिंग टू द एक्सपोजर पार्ट, एक्सपोजर पार्ट में देखोगे आपका मोर और लेस सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे जो लिस्टेड हैं उनका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप टॉप 5 और टॉप 20% का देखेंगे मोर और लेस सारे म्यूचुअल फंड्स कंपेरेबल है। रेटिंग में आप चेक करोगे, रेटिंग में जो सबसे अच्छी रेटिंग है वो मेरे एसेट की है, डेट इज 5 रेटिंग, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 5 रेटिंग है। ये क्रिसिल रेटिंग है जो हर साल चेंज होता है। योर ऑल द डिसीजंस आर नॉट बीन मेड बाय द ओनली बाय द क्रिसिल रेटिंग बट यू शुड ऑल्सो गो थ्रू द वट आर द पास्ट परफॉर्मेंस एंड द रिस्क दे आर टेकिंग फॉर जनरेटिंग दैट वेल्थ। इक्विटी टू डेप्थ रेशियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं। आप देखोगे इक्विटी में जो एक्सपोजर है वो 72% है मेरे एसेट में, एसबीआई का 72% है, कनाडा रेपोको का 69% है, आईसीसीआई प्रूडेंशियल का 72% है और डीएसपी इक्विटी का 75% है। तो आप मोर और लेस देखोगे कि सारे इक्विटी टू डेप्थ रेशियो मोर और लेस कंपेरेबल हैं ऑल म्यूचुअल फंड्स के। एक्सपोजर पार्ट में देखोगे लार्ज कैप में, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उसी तरह देखो कि आप लार्ज कैप में 52% मेरे एसेट का है और 59% आपका आईसीसीआई प्रूडेंशियल का है जो लार्ज कैप में है। लार्ज कैप में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शो करता है आपके स्टेबिलिटी को और स्टेबल रिटर्न को। और डीएसपी इक्विटी का जो एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, हो सकता है ये रिटर्न ज़्यादा निकाल के दे पाए लेकिन उसके साथ वो रिस्क भी एडिशनल ले रहा है। कमिंग टू द रिटर्न परफॉर्मेंस, रिटर्न परफॉर्मेंस आप चेक करो, वन ईयर का कैटेगरी एवरेज है 10.25 एंड ऑल द फंड्स आर परफॉर्मिंग वे अबव द कैटेगरी एवरेज एक्सेप्ट आईसीसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी डेप्थ फंड। थ्री ईयर का कैटेगरी एवरेज 8.65 है, जो सारे पांचों फंड जो काफ़ी अच्छे से बीट कर पा रहे हैं। फाइव ईयर्स का 8.94 है, भी आपका कैटेगरी एवरेज आराम से बीट कर पा रहा है सारे के सारे फंड्स। मेरे एसेट का 5 ईयर्स नहीं हुआ इसलिए 5 ईयर रिटर्न वहाँ शो नहीं कर रहा है, लेकिन रिटर्न इंसेप्शन आप देखोगे 12.46 का है। एसबीआई इक्विटी का 15.36 है, जो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स। कैनरा बुक का 13.82 है और आईसीआई प्रूडेंशियल का 15.03 है और डीएसपी इक्विटी बॉन्ड डायरेक्ट फंड का 13.42 है। इन रीसेंट टर्म्स मेरा एसेट आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे पीयर्स को। आप 3 ईयर्स में देखोगे उसका रैंक 1 है और सेकेंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। इन रिस्क एनालिसिस, इन रिस्क एनालिसिस में आप देखो मीन में जो अपना कैटेगरी एवरेज है वो 8.46 है, बाकी सारे परफॉर्म्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कैटेगरी एवरेज को। जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेट इज मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखो 10.41 है, सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी अच्छा है, ओनली डीएसपी इक्विटी बॉन्ड डायरेक्ट फंड का 11.95 है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पर ज़्यादा निकल के आ रहा है। शार्प रेशियो, शार्प रेशियो क्या होता है, आपका रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ योर रिस्क टेकन। आप देखो जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.26 और आपका डीएसपी इक्विटी 0.33 का रिटर्न दे रहा है, जो सबसे अच्छा रिटर्न दे पा रहा है डेट इज मेरे एसेट डेट इज 0.67, एसबीआई इक्विटी 0.5, कैनरा बुक का 0.49 है और आईसीआई प्रूडेंशियल का 0.43 है। सॉर्टिनो रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है, योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन। आप देखोगे कैटेगरी एवरेज है 0.43 और मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी का 1.09 है, जो फर्स्ट रैंकिंग पे ला के रख रहा है उसको। सो 1.09 इज द हाईएस्ट, सेकंड वन इज एसबीआई इक्विटी डेट इज 0.87
और ICICI प्रूडेंशियल का भी 0.81 है, कनाडा रेबुक का 0.75 है और DSP इक्विटी का 0.47 है। बीटा आप देखो जो कैटेगरी एवरेज है 0.87, बीटा रिप्रेजेंट करता है वॉलेटिलिटी को और सबसे ज़्यादा जो वॉलाटाइल है डेट इज़ 0.97, डेट इज़ DSP इक्विटी का। और कैटेगरी एवरेज देखोगे आपका नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है, रिटर्न जनरेशन का जो इंडिकेशन है डेट इज़ नेगेटिव, बट इवन दो मेरे एसेट ने 1.40 का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। DSP की इक्विटी का आपका 1-1.64 है, ICICI प्रूडेंशियल का -0.42 है, कनाडा रेबुको का -0.1 है और SBI इक्विटी का 0.16 है। सो ये पाँचों के पांचों फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे एसेट आउट परफॉर्म कर रहा है इन रीसेंट टर्म्स बाकी सारे अपने पीयर्स को इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आल्सो, इन टर्म्स ऑफ रिस्क आल्सो। इफ एट ऑल यू आर इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दीज फाइव फंड्स यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, दीज ऑल फाइव फंड्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, यू कैन कंटिन्यू योर SIP। सो इन कंक्लूजन पार्ट, योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन ग्रोथ प्लान एंड डायरेक्ट प्लान, इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी मिनिमम 3 to 5 years। मैं बार बार इस वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि हाइब्रिड फंड्स का आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 to 5 years का ही रखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जब भी करें अगर लॉन्गर टर्म के लिए तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप, लार्ज कैप मिड कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप शॉर्टर टाइम के लिए आप कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका 3 years का होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में आप जब भी एक्सपोजर लें आप मिनिमम 3 years का इन्वेस्टमेंट जरूर रखें। देयर इज नो साइंटिफिक वे टू चूज अ टुमारोज बेस्ट फंड, सो वन शुड रिव्यू द करंट सिलेक्शन एवरी क्वार्टर और हाफ ईयरली। आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसका परफॉर्मेंस जरूर ट्रैक करें, अगर मंथली कर सकते हैं तो मंथली कीजिए, क्वार्टरली कर सकते हैं तो क्वार्टरली कर लीजिए, और नहीं तो 6 months में आप कर सकते हैं तो 6 months में कीजिए, लेकिन इसका परफॉर्मेंस जरूर ट्रैक करें। हो सकता है आपका फंड मैनेजर बीच में चेंज हो गया हो, चाहे आपका परफॉर्मेंस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा ना रहा हो रिसेंट टर्म्स में, तो आप जो भी चेंजेस हो आप उसके हिसाब से अपने डिसीजन मेक कर सकते हैं। सो आपको अपना फंड जरूर ट्रैक करना चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.